हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे पास आ गया ऑल न्यू i20 के मोस्ट प्रोबेबल बेस वेरिएंट मैग्ना के रॉ शॉट्स एट द डीलरशिप। और ये वेरिएंट मोस्ट अफोर्डेबल वैल्यू फॉर मनी रहेगा और सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग रहेगा मेरे हिसाब से। सामने से आप लुक देख सकते हैं, पियानो फिनिश में इसकी ग्रिल मिल जाती है और नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं, फॉग लैम्प के लिए स्पेस दी गई है और ऊपर छोटी सी DRLs भी मिल जाते हैं। और साइड पे आप देख सकते हैं स्टील रिम्स मिलते हैं विद व्हील कवर्स, 15 इंच की ये स्टील रिम्स है। टायर साइज 185/60 R15 होगा। ORVM से इंडिकेटर्स नहीं मिलते वैगरा वेरिएंट में, साइड बॉडी में मिलते हैं, बाकी सब बॉडी कलर्ड है आप देख सकते हैं पूरे अच्छे से। बाकी रियर टेल लैम्प का लुक काफी ज्यादा क्लासिक एंड स्लीक डिजाइन हो गया है। एरोडायनेमिकली गाड़ी काफी ज्यादा बेस्ट है, हाईवेज के लिए बेस्ट गाड़ी रहेगी ये इन द हैचबैक कैटेगरी। बाकी i20 की बैजिंग मिल जाती है इसमें हमें, और जो एस्टा वेरिएंट होगा उसकी एस्टा की बैजिंग मिलेगी और एस्टा ऑप्शनल में हमें मिल जाएगा सनरूफ। और ये इस गाड़ी का कुछ पीछे से लुक काफी ज्यादा सिमिलैरिटी अल्ट्रो से है। बाकी आप इसके ड्यूल टोन है, थोड़ा ब्लैक का भी फिनिश दिया गया है, ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश में। हाई स्टॉप टेल लैम्प मिल जाता है ऊपर की साइड, जो हमें मिलेगा एंटीना वो मिलेगा नॉर्मल शार्क फिन एंटीना, मैग्ना वेरिएंट में नहीं है। और दो पार्किंग सेंसर्स हमें रियर में देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रिकली इसका बटन से खुलेगा बूट, बाकी तो आपको हाथ से करना पड़ेगा। और ये पार्सल ट्रे भी नहीं मिलती आपको मैग्ना वेरिएंट में। एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको एस्ट ऑप्शनल में मिलेगी, जिसके साथ आपको सनरूफ मिलेगी और एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह बेसिक फीचर और ज्यादा मिल जाएंगे। और उसमें आपको मिल जाएगी 10.25 इंच की बड़ी सी टच स्क्रीन, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील। और ये गाड़ी कुछ साइड से लुक, साइड इंडिकेटर्स आपको मैग्ना वेरिएंट पे बॉडी पे मिलेंगे। और ये इसका डोर पैनल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वॉल्यूम्स मिलते हैं और टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसका डिजाइन काफी ज्यादा क्रेटा से सिमिलर है, बट फ्लैट बॉटम नहीं है ये। और ये इसका डोर सारे कंट्रोल्स है विंडोज के, पावर विंडोज के। मैनुअल एसी मिलेगा आपको मैग्ना वेरिएंट में। और ये बेसिक सा 2D ऑडियो सिस्टम, डिजिटल नहीं मिलेगा इसमें आपको, इसमें आपको एनालॉग मिलेगा, टैकोमीटर एंड स्पीडोमीटर। फ्रंट सीट्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और ये इसका कुछ लुक, स्पेशियस काफी ज्यादा ही गाड़ी, लेगरूम भी आप जिसके लिए कितना ज्यादा मिल जाता है। रियर एसी वेंट्स, आर्मरेस्ट, ऊपर आपको मिल जाएगा सनग्लास होल्डर। एंड गाइज, अब मेरे पास ज्यादा शॉर्ट्स तो नहीं, मैं इसको रिपीट करके आपको बता दूं। तो इंजन ऑप्शन इसमें आपको फिर से, ये जो इंजन ऑप्शन है स्पेसिफिकली 1.2 लीटर का सेम इंजन जो पहले से चल रहा है i20 में वही है। एडिशन जो हो गया वो हो गया वेन्यू वाला 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन, और डीजल इंजन आपको मिल जाएगा क्रेटा और वरना वाला 1.5 लीटर का। सो गाइज, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी लुक्स में आपको सामने प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेगी LED वाले, और साइड में जो रिम्स मिलेगी एस्टा वगैरह, और स्पोर्ट्स में आपको शायद 16 इंच के मिलेंगे डायमंड कट अलॉय व्हील, जिसका साइज होगा 195/55 R16, वही सेम साइज जो अल्ट्रोज में आपको मिलता है। और एक गाड़ी का जो सबसे बेस्ट कॉम्पिटिटर रहेगा वो मेरे हिसाब से अल्ट्रोज रहेगा। इन लुक्स भी उसकी काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज आ गई इस गाड़ी में, बाकी तो आप देख सकते हैं बूट स्पेस भी वगैरह अच्छा खासा है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट अभी भी आपको सिर्फ टॉप एंड एस्टा ऑप्शनल में मिलेंगे, मैंने एस्टा और एस्टा ऑप्शनल दोनों देख रखे है। ये वाला वेरिएंट स्पेसिफिकली मैग्ना है। तो गाइज, आपको इसका लुक देख सकते हैं, बेसिक सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको इसमें, और हैंड आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा आपको एस्टा ऑप्शनल में, और ऊपर मिलेगी सनरूफ जो कि नया चीज आ गई है, और 10.25 इंच की इसकी टच स्क्रीन में मिलेगी आपको एस्टा ऑप्शनल में और एस्टा में भी। बाकी स्पोर्ट्स में आपको छोटी टच स्क्रीन मिलेगी मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। और जो प्राइसिंग रहेगी आप पुरानी i20 से 20-30 हजार या 40 हजार एक्स्ट्रा लगा लो उसी रेट पे, बिकॉज i20 पे फिर डिस्काउंट्स भी आ गए थे, डिस्काउंट रेट को मत जोड़ना उसके बिना जो रेट था। बाकी तो गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी भी है लुक्स में, बट ड्राइविंग डायनेमिक्स में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बेटर होगी होगी ये, क्योंकि इसका डिजाइन काफी ज्यादा स्लीक है। बाकी आप देख सकते हो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक इसमें दिया गया स्टीयरिंग व्हील, सो काफी ज्यादा अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि हुंडई की काफी गाड़ियों में नहीं मिलते हमें, इससे अपर सेगमेंट की भी। वेन्यू वगैरह देख लो आप, सो डैशबोर्ड का डिजाइन भी देख सकते हैं आप, नीचे इसके एयर वेंट्स है और आपको स्पेस मिल जाती है। 5-speed का मैनुअल गेयरबॉक्स है, जिसपे हमें ब्लैक गेयरबॉक्स मिलता है मैनुअल वेरिएंट में, ऊपर सनग्लास होल्डर, स्कूप डॉट सीट्स है इसकी, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिलेगा आपको, स्लाइडिंग है ये, मैंने देख रखा था क्योंकि ये वीडियो क्वालिटी जो थी बहुत ज्यादा पुअर थी, सो इसके लिए मुझे माफ करना। बाकी जितना मुझसे हो पाया मैंने आपको दिखाया इस गाड़ी में क्या क्या मिल रहा है आपको मैग्ना वेरिएंट में, जो कि काफी अच्छे प्राइसिंग में होगा और आपको काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है, और हॉट सेलिंग भी रहेगा लोगों की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए।
सो गाइस कुछ दिनों में इसका डिटेल वॉकराउंड लेकर होगा. टिल देन यार लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को.